तंत्र विद्या का नाम सुनते ही हमारे मन में जादू टोने एवं अंधविश्वास की बातें आने लगती हैं। इसे कई लोग सीखने के लिए व्याकुल रहते हैं। इसे कभी भी आध्यात्मिक दृष्टि से जोड़कर नहीं देखा जाता। अगर कोई व्यक्ति इसकी ओर जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाते हैं। लेकिन हम टाइम्स ऑफ इंडिया की माने तो यह महज एक टेक्नोलॉजी है जो हमारे समय से काफी आगे है। तो आइए जानते हैं आखिर तंत्र की परिभाषा क्या है एवं हम इसमें बताई जाने वाली कुछ बातों का जिक्र करेंगे जो साइंस फिक्शन से कम नहीं लगती। तंत्र संस्कृत के दो शब्दों के मिश्रण से बना है, तनोति मतलब फैलना, त्रयाति माने मुक्ति। इंडिक फिलोसफी यानी भारतीय उपमहाद्वीप पर जन्मे धर्म हमें यहाँ हमारे आत्मन की मुक्ति की बात कर रहे हैं। अगर आपने इस एपिसोड का पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। तंत्र विद्या का मूल लक्ष्य है एक व्यक्ति को पूरे तरीके से शुद्ध बनाना ताकि उसकी मुक्ति में कोई बाधा ना आए। यह तांत्रिक परंपरा काफी पुरानी है। इसकी शुरुआत लगभग 700 एडी में भारत में हुई थी। तब लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते। आज लोग यौगिक तंत्र को केवल अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सही नहीं है। यौगिक तंत्र आध्यात्मिक बनने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम अपने शरीर एवं मन को काबू कर अपने आसपास के चीजों को पूर्ण तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। यह सही मायनों में जादू की तरह है। इतिहास में कई सभ्यताओं ने तंत्र का प्रयोग कर उन्नति प्राप्त की, चाहे वो मायन सभ्यता हो या फिर ऑस्ट्रेलिया के प्राचीन एब ओरिजिनल्स। लेकिन आज तक हमने जितनी भी घटनाओं को देखा या फिर सुना है वह इसके विपरीत कुछ और ही बयां करते हैं। हमें भारत में आए दिनों ऐसी खबरें मिलती रहती हैं जिसमें अंधविश्वास के कारण लोग अपना प्राण गंवा देते हैं। ऐसी ही घटना हमें दिल्ली में जुलाई 2018 में देखने को मिली, जहां एक ही परिवार के 11 लोगों ने आत्महत्या कर ली। यह अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन इस घटना को और रहस्यमय बनाता है इन 11 व्यक्तियों का अपनी आंखों का दान दे देना, जिससे यह पता चलता है कि यह तंत्र विद्या काफी दिनों से इस्तेमाल कर रहे थे एवं वह जानते थे कि उन्हें किसी खास दिन एवं खास समय पर अपना प्राण त्यागना है। मृत्यु से पहले इन्होंने अपनी आंखों एवं मुख को टेप के माध्यम से बांध रखा था ताकि इनकी आवाज ना निकले, जिससे पड़ोसियों को ना पता चले। यह तो केवल एक घटना है, आए दिनों ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ऐसी ही घटना हमें वेस्ट बंगाल के बांकुड़ा जिले में देखने को मिलती है, जहां एक तांत्रिक ने एक नए जन्मे बच्चे को अगवा कर उसकी बलि दे दी एवं वह उसका रक्त पीता हुआ पाया गया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन लोग ऐसा क्यों करते हैं? हमने एक रिपोर्ट पढ़ी जहां हमें यह पता चला तंत्रिक विद्या एक ड्रग की तरह है। अगर इसे संभल कर इस्तेमाल ना किया गया तो यह उस व्यक्ति पर हावी भी हो सकती है, जिसके बाद के परिणाम हम जानते ही हैं। लेकिन इसके कुछ फायदे भी हैं। आज हम किसी दूर बैठे व्यक्ति के साथ अपने स्मार्टफोन की मदद से बातें कर सकते हैं, ठीक उसी तरह आप तंत्र विद्या के माध्यम से भी बातें कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि इसमें स्मार्टफोन का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यह सब करने के लिए आपको अपने मन, शरीर एवं ऊर्जा का इस्तेमाल करना होगा। यह प्रक्रिया हमें साइंस फिक्शन की तरह लग सकती है। साइंटिफिक भाषा में हम इसे टेलीपैथी कहते हैं, जिसमें लोगों का दिमाग पढ़ा जाता है। इसी तंत्र विद्या के माध्यम से हम अनेक प्रकार के कारनामे कर सकते हैं, चाहे वो हवा में तैरना हो, बीमारियों को ठीक करना या फिर अलौकिक दुनियाओं में जाना। यह सब बातें हमें उत्तेजित करती हैं, किंतु यह सब करने के लिए हमें तंत्र विद्या में महारत हासिल करनी होगी। इसमें कई सालों की मेहनत एवं एक्सपीरियंस लगती है। इतिहास में हमने ऐसी कई कहानियों एवं घटनाओं के बारे में सुना है जो सुपर ह्यूमन के बारे में बात करती हो। विज्ञान इन सभी घटनाओं को परिमाणित नहीं करता, लेकिन हम यह जानते हैं कि हमारी दुनियाओं में कई रहस्यमय एवं रहस्यमय ताकतें हैं जो विज्ञान से बिल्कुल अलग हैं। चूंकि लोगों ने ऐसे बुरे तांत्रिकों के बारे में सुन रखा है जिन्होंने लोगों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की या फिर बीमार बनाया और मार डाला, इसलिए जब हम तंत्र विद्या का नाम लेते हैं तो वे समझ जाते हैं कि यह हमेशा बुरा होता है। मगर तंत्र विद्या बहुत उच्च श्रेणी की भी होती है। शिव एक तांत्रिक है। यह अच्छा या बुरा इस पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग कौन किस मकसद से कर रहा है। तंत्र विद्या योग का सबसे निम्न रूप है, लेकिन लोग सबसे पहले यही करना चाहते हैं। वे कुछ ऐसा देखना या फिर करना चाहते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। इस विद्या को इतना बुरा माना जाता है कि इसके आसपास भी फटकना मना है। लेकिन कोई भी विज्ञान या टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती।
अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों की जान लेने और उनको तकलीफ देने के लिए करते हैं तो कुछ समय बाद हमें लगेगा कि टेक्नोलॉजी बुरी चीज है। तंत्र विद्या के साथ भी बिल्कुल यही हुआ है। बहुत ज्यादा लोगों ने इसे अपने निजी फायदे के लिए गलत इस्तेमाल किया, इसलिए आमतौर पर इसको आध्यात्मिक मार्ग से दूर रखा जाता है। ऐसे ही साइंस एवं एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए बिट ऑफ साइंस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।